हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज दैनिक भास्कर भोपाल में एक न्यूज आई है बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, और ये दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से उठाया है। चलें हम इस न्यूज को देख लेते हैं। दोस्तों, ये दैनिक भास्कर भोपाल का एडिशन है और 24/2/2021 का है। इसमें आप देख रहे हैं कि 35 लाख बेरोजगार, 90 हजार पद खाली, न परीक्षा, न भर्ती, न नियुक्ति। दैनिक भास्कर की ऑफिशियली वेबसाइट पर भी ये पूरी न्यूज़ डली हुई है, जिसे आप स्वयं जाकर पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह दैनिक भास्कर की ऑफिशियली वेबसाइट है और यहाँ पर आप देखेंगे बेरोजगारी की कतार में 35 लाख, 90 हजार पद खाली, न भर्ती, न परीक्षा। यहाँ पर भी आप यदि देखेंगे तो प्रमुखता से यह खबर दी गई है कि नौकरी के आस में युवा आंदोलन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं, विभागों के चक्कर भी काट रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी का दामन नहीं छोड़ रहे हैं। और यहाँ पर शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो ये बात आपसे छुपी नहीं है कि चाहे जमीनी स्तर पर हो, चाहे सोशल मीडिया पर हो, लगातार ये मांग जारी रही है कि जल्द से जल्द, चाहे जनजाति विभाग हो और चाहे आपके जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, नियुक्ति जल्द से जल्द दी जाए। साथ में वर्ग 3 के एग्जाम को लेकर भी लगातार प्रयास जारी है। सभी मांग कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके वर्ग 3 के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएं, जिससे कि नए सत्र में उनको भी ज्वाइनिंग के अवसर मिल सके। तो यहाँ पर आप देखें कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में 90 हजार से अधिक पद खाली हैं, और आप यहाँ पर देखें बहुत से विभाग तो ऐसे हैं जहाँ पर चयन के बाद भी उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। नतीजा उम्मीदवार की नौकरी की आस विभागों के चक्कर काटने को मजबूर है। तो ये है कि जो नौकरी की आस में विभागों के लगातार चक्कर काट रहे हैं। और कल भी मैंने आपको सामने एक DPI से जो कॉल रिकॉर्डिंग थी वो भी डाली थी, उसमें बताया था कि आपकी जो शिक्षक भर्ती है उसके विषय में DPI से क्या अपडेट उन्होंने दिया था। यहाँ पर भी यदि आप देखेंगे कि यह आंकड़ा सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, लेकिन बेरोजगारों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। 2018 तक ये चल पाया मध्य प्रदेश रोजगार बोर्ड, 90% बेरोजगार मध्य प्रदेश के मूल निवासी, 1.50 करोड़ बेरोजगार प्रदेश में अनुमान के मुताबिक, 3 साल से कोई बड़ी भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। यहाँ पर यदि आप ध्यान दें तो कुल मिलाकर हर विभाग में जो है पद हैं और उनकी जो है परीक्षा भी ले ली गई है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। जिसमें शिक्षक विभाग है जहाँ परीक्षा ली गई लेकिन काउंसलिंग नहीं की गई है। फिर आरक्षक और भी जो पटवारी हैं, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी और परियोजना समन्वयक, वे सब हैं। इसमें यहाँ पर दिया गया कि अभी तक उनकी जो है ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। यहाँ पर आप यदि नीचे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो पद खाली हैं वो हैं हमारे स्कूल शिक्षा विभाग में, सबसे ज़्यादा 70 हजार पद खाली हैं। और यहाँ पर जो है रिक्त पदों पर स्कूल शिक्षा विभाग में है, ये वर्ग 1 और वर्ग 2 के 30 हजार रिक्त पदों के लिए 3 साल पहले परीक्षा ली गई थी। अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं और जिलों में आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि अभी तक इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आया है। जबकि यहाँ पर भी देखे जाएँ तो 70 हजार पद खाली बताए जा रहे हैं इस न्यूज़ के अनुसार। इसके बाद जो पुलिस है उसकी भर्ती की भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि 3 साल से भर्ती नहीं हुई, कई ओवरेज हो गए हैं। पुलिस भर्ती में सबसे बड़ी समस्या आयु सीमा बढ़ाने को लेकर है, इसको लेकर नाराजगी है। पहले इन पदों के लिए आयु सीमा 33 वर्ष तय की गई थी, लेकिन 3 साल से भर्ती न होने की वजह से करीबन 3 लाख उम्मीदवार ओवरेज हो गए। ये भी आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उम्मीदवार जो है करीबन 37 वर्ष इसकी आयु सीमा की जाए, और इस हिसाब से यहाँ भी मांग जारी है। कौशल विभाग, विकास विभाग की बात करें तो यहाँ इंटरव्यू तक हो गया है लेकिन नियुक्ति नहीं दी है। राजस्व विभाग की बात करें तो यहाँ भी वेटिंग वालों को नहीं मिला है मौका। और एक पॉइंट ये भी रखा गया कि निजी कंपनियों में नहीं दिला पाई है नौकरी। और जो हमारे सामान्य प्रशासन विभाग राज्य मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार ने बताया है कि 2 साल पहले सरकारी विभाग में नियुक्ति अटक गई है और अब एक बार फिर से भर्तियां की जा रही हैं। कुछ परीक्षाओं को तकनीकी कारण से और कुछ उम्मीदवारों की मांग देखते हुए देरी हुई है। हमारी पूरी कोशिश है कि समय पर भर्ती हो और लोगों को रोजगार मिले। तो ये उनका एक वक्तव्य है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है सभी को रोजगार मिल जाए, जो भी भर्तियां अटकी हैं उनमें सबको ज्वाइनिंग मिल जाए। जहाँ तक हम वर्ग 3 की बात करें तो उसमें भी ये इसमें आया है कि इसी तरह वर्ग 3 के भी फार्म भरवा लिए गए हैं, लेकिन परीक्षा की तारीख ही घोषित नहीं की गई, तारीख आगे बढ़ाई जा रही है। तो इसके लिए भी लगातार मांग जारी है कि जो है वर्ग 3 के एग्जाम जल्द से जल्द कराए जाएं, जिससे कि उनकी भी ज्वाइनिंग समय पर हो पाए। तो दोस्तों, आंकड़ों के साथ दैनिक भास्कर ने आपकी जो मांग है वो सभी तक पहुंचाने की कोशिश की है, और लगातार जो बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर हमेशा ये न्यूज़ आती रही है, चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो,
और जहाँ तक शिक्षक भर्ती है वो जल्द से जल्द हो जाए, इसके लिए सभी जो संगठन हैं, सभी जो जेन्युइन चैनल हैं, वो एक साथ होकर प्रयास कर रहे हैं, और डेफिनेटली इसमें हमें सफलता ज़रूर मिलेगी और नए सत्र में जो है वर्ग एक और वर्ग दो की भर्ती ज़रूर होगी, चाहे मैं जनजाति विभाग की बात करूं और चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं। साथ में वर्ग तीन की एग्जाम डेट भी जल्द से जल्द डिसाइड हो, जिससे कि जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उन्हें उनका लाभ मिल सके। तो ये वीडियो एक सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।